फतेहाबाद में हम लोग मौजूद है। जैसा कि हम रेगुलर देख रहे हैं प्राइस जो है तेल का बढ़ता जा रहा है, कुछ कस्टमर है उनसे हम बात करते हैं। सर अपना एक बार नाम बताइए। मेरा नाम सर गुलाब गुडवाड़ा है। तेल जो डेली बढ़ रहा है उसका जानकारी है आपको? यह सरकार अपने तरफ से चारों तरफ से महंगाई की मार रही है। सरकार हर एक चीज़ के अंदर है ना गरीब जनता का शोषण कर रही है। जो कभी कोई टाइम में कांग्रेस की सरकार में जब वो 50-55 रुपये था सिलेंडर, 350 था, जब सुभाष बराला ये है ना कपड़े निकाल के उसका वो कर रहे थे विरोध कर रहे थे। स्मृता रानी दिल्ली में वो कह रही थी, आज वो सुभाष बराला धनखड़, स्मृता रानी कहाँ गई? इस सरकार ने है ना अपने वो पूरी तरह से एक रवैया अपनाया हुआ है और गरीब जनता को गरीब कर रही है। लोगों पे महंगाई की बहुत बुरी मार है। इस पे जैसे हम अभी देख रहे हैं कहीं पे कोई खबर नहीं आ रही है। टीवी के अंदर आप देखेंगे पेट्रोल बढ़ रहा है उसका खबर नहीं है। पहले जब चलाया था तो ऐसा बोल रहे थे जनता का भला हो रहा है, टैक्स जो लग रहा है ना, जनता जो टैक्स दे रही है उससे फायदा हो रहा है देश को, ऐसी कुछ खबर चलाते हैं, उससे क्या कहेंगे? सर जी ये गोदी मीडिया है, आज तक है कोई मोटे चैनल है या सरकार दिखाई नहीं रहे हैं, या तो सरकार की मेयर ले रहे हैं। इन्हें कोई इलेक्शन हो 75 पार, कोई हरियाणा में बोले 75 पार, बंगाल में दिया था नारा इन्हें बंगाल की जनता ने, इस गोदी मीडिया को बता दिया है ना सर। ऐसी कोई खबर सरकारी सरकार के खिलाफ कोई बोल भी नहीं रहा है ना, कोई बोलना चाहते हैं, सारी मीडिया उनकी गोदी में उसकी झोली में बैठी है मोदी और अमित शाह के। आपके हिसाब से ये जो पूरा डिवाइडेशन इसका होता है, 92 रुपये पेट्रोल है, 73 रुपये का आपका डीजल है, सॉरी नहीं 85 है, ये मैं डेंसिटी देख गया था गलती से, तो इसका आपको समझ आता है कि कितना सरकार को जाता है, जनता को कितना होना चाहिए, पीछे से कितने में आता है? सर जी ये सरकार इस पर टैक्स उठा देना कच्चे तेल से, जो भारत में है ना पाकिस्तान और पड़ोसी देशों को देखते हुए भारत में पेट्रोल या डीजल की कीमत काफ़ी अधिक है। सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। देख महंगाई की मार, एक रिफाइंड का पैकेट जो 75 में आता था आज वो 150 में आता है, सरसों का तेल जो 80 में आता है 172 में आता है, और सरकार ये कितनी की महंगाई की मार मारेगी। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत ज़्यादा हुई है मोदी सरकार ने। कोई किसान आंदोलन देख लो, कोई देख लो, जो भाई अपनी मांगे मनवा रहे हैं उन्हें भी बहुग्रवादी कह रहे हैं, लेकिन एक दिन सरकार यह भी ध्यान रखे उन्हें जनता ने यहाँ पहुँचाया था, एक दिन जनता यह गिराने वाले। इस देश में लोकतंत्र है। आप काम क्या करते हैं? सर खेती करता हूँ मैं। खेती कर तो जैसे अभी डीजल का भी 85 रुपये है, ट्रैक्टर वगैरह चलाते होंगे, कितना नुकसान झेलना पड़ जा रहा है? सर पहले तो जो 40-50 हुआ करता था डीजल दुगना हो गया है। पहले तो मान लो 150 रुपये का डीजल एक किले में बढ़ता था, 300 का बढ़ता है एक बारी में। जब आप खेत में एक बार बांध या बिजाई करते हैं तो 300 रुपये का डीजल एक बार में बढ़ता, दुगना हो गया सर। और बोलिए सर। चलिए इतना शुक्रिया, बाकी हम जनता को बता दें किस वजह कितना टैक्स है, कितना कम हो रहा है। तो शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूँ बायफ्रिकेशन क्या है, कितना टैक्स लगता है, सरकार कितना आपसे टैक्स के रूप में लेती है, उनको कितने में पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी कितना है, इस सब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डीजल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उसकी रेट बढ़ने से खपत में कितना फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर किसान या फिर ट्रक ड्राइवर उसका इस्तेमाल करते हैं, मैं पेट्रोल का इस्तेमाल करता हूँ। तो एक नागरिक के तौर पर, पत्रकार से अलग एक नागरिक के तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 92 रुपये तक चला गया है, एक वक्त था जब 75 के आसपास था, ज़्यादा वक्त की बात नहीं है, 2 महीने पहले तक ही 75 के आसपास हम तेल डलवा रहे थे। इस एक महीने के अंदर अंदर जो फिलहाल मौजूदा महीना चल रहा है, मई महीना, आज आखिरी तारीख है, 15वीं बार तेल के प्राइस बढ़ चुके हैं और आए दिन 1 रुपया 2 रुपया या पैसों के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, जिसके ऊपर मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं चल रही है। आखिरी बार जब खबर चलाई गई थी, जब विपक्ष ने इस चीज़ को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, तब कुछ एक पत्रकारों ने कहा था कि ये देश के लिए देश हित में है, किस तरीके से आप टैक्स दे करके सरकार का या देश का फायदा कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने आपको गुमराह करने की कोशिश की थी। बायफ्रिकेशन बता देता हूँ, दिल्ली के हिसाब से वहाँ पर जो तेल का रेट है 92 रुपये 58 पैसे हैं, उसमें 34 रुपये में बेस प्राइस होता है, जो भी उनके पास कच्चा तेल आता है या फिर जो तेल आता है सरकार के पास भारत में उसका बेस प्राइस होता है 34 रुपये। उसमें जो फ्रेट है वो 0.36 पैसे लगता है। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी है, यानी कि दूसरे देश से भारत में कोई भी सामान लाने पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, जिसे कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है, वो 34 रुपया है, 34 रुपये 55 पैसे, यानी कि जो तेल का रेट है उससे भी कहीं ज़्यादा है। एक मिनट, एक्सीडेंट हुआ है, पकड़ देखना पड़ेगा बंदे को, तेज लग रहा है।
बोलो।